सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है गाइस, क्योंकि गाइस ये बहुत ही सीरियस मैटर है गाइस। और आज ये मेरी गाइस पहली कंट्रोवर्सी कवरिंग वीडियो होने वाली है गाइस। अगर आप भाई अच्छी लगे गाइस तो सपोर्ट ज़रूर करना गाइस, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना गाइस कि मेरे को और भी ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। तो गाइस आज मतलब मैं काय की बात करने वाला हूँ, तो गाइस ये बता देता हूँ गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं गाइस, हमारी पहली कंट्रोवर्सी होने वाली है जो अभी हुई है गाइस, रिसेंटली हुई है गाइस, की स्काउट और पबजी जेनी है ना, तो जो लड़की है उसके बारे में है ना। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी गेमर और कैप्टन एमडी के बारे में है ना। तो गाइस सबसे पहले वहाँ जाते हैं गाइस, हमारे स्काउट जो गाइस बहुत ही सही प्लेयर है गाइस, बहुत अच्छा प्लेयर है गाइस, रियल प्लेयर है बिल्कुल है ना। और फिर हम आ जाते हैं पबजी जेनी। तो गाइस देखो सिंपली सी बात यह है, गाइस अपना जो स्काउट अपने मतलब जैसे रोज़ स्ट्रीम करता था वैसे स्ट्रीम करता था, तो जो पबजी जेनी है जो कि एक स्ट्रीमर है ना, वो भी यूट्यूब पे है ना। तो गाइस वो आती है इसके चैनल पे और लिख देती है IND नूब है ना। तो गाइस उसके क्लैन को नूब बोल देती है। और गाइस क्या होता है कि फिर जो हमारा स्काउट है वो पढ़ लेता है, क्योंकि गाइस बहुत ही मुश्किल रहता है, वैसे भी उनकी चैट तो बहुत तेज़ चलती है, लेकिन उसने पढ़ लिया है ना। तो गाइस अब तुम जानते हो गाइस कि स्काउट कैसा बंदा है गाइस, वो बहुत ही मतलब एग्रेसिव टाइप का बंदा है ना। तो गाइस उसने भी वही बहुत मतलब ऐसे मतलब वो एग्रेसिव टाइप का है गाइस, तो उसने कुछ ना कुछ भाई बोला ही है, वो तो कभी बोलना तो पड़ेगा भाई। किसी इतनी मेहनत से गाइस कोई अपने क्लैन को इतना आगे ले जाता है गाइस, उसके बाद कोई भाई ऐसे नूब बोलेगा गाइस, जैसे बस मान सकता हूँ मैं कि रोज़ बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना उसे, तो उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन गाइस उसको बोल दिया गया। लेकिन कोई ऐसे आयरा गैरा बोले है ना, या फिर उनके कोई ऐसे हीटर बोले तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गाइस कोई स्ट्रीमर जिसको सपोर्ट करना चाहिए, जो गाइस हमारे PMSCO में गया था गाइस है ना, इतने भले भाई गया है कैसे भी गया, लेकिन गया ना, तो गाइस उसकी तो भाई इज्जत करनी चाहिए किसी स्ट्रीमर जो भी कोई भी हो, लड़की लड़का कोई भी हो, लेकिन इज्जत तो करनी चाहिए गाइस है ना। लेकिन गाइस जो लड़की उसने बोल दिया IND नूब है ना, तो उसके बाद क्या है चटक गई हमारे स्काउट की, उसने भी गाली वाली बक दी गाइस, बहुत ही गंदी है ना। तो कोई उसमें भाई कोई भी होता है ना तो उसको भाई गुस्सा तो आएगा यार, इतने सालों की मेहनत गाइस, वो रोज़ इतने सारे घंटे स्ट्रीम करते हैं गाइस, तो गुस्सा तो आएगा ही भाई, सिंपल सी बात है यार, गुस्सा तो आना हाँ है ही भाई, बिल्कुल प्रॉब्लली भाई आना ही चाहिए गुस्सा है ना। तो फिर गाइस गाइस क्या हुआ कि गाइस ये तो लड़की गाइस बहुत ही ज़्यादा चतुर है गाइस, बहुत चतुर है ना, उसने अपने जो चैनल है ना उसके चैनल पर उसने अपने एक सेपरेटली वीडियो बनाई स्काउट के बारे में है ना, स्काउट के बारे में उसने एक अपने अलग से एक वीडियो बनाई, किसने मतलब उसको क्या क्या बोला, ये बोला वो बोला गाइस। आपने अगर देख ली होगी गाइस कंट्रोवर्सी गेमर कैप्टन MD ने वीडियो भाई उस पर तो बात नहीं, तो लेकिन अगर आपने कंट्रोवर्सी गेमर की जो वीडियो देखी होगी गाइस उसमें तो आपको सब समझ में आ गया होगा गाइस। लेकिन गाइस हमारा कंट्रोवर्सी गेमर ने पूरे स्काउट की साइड लिया होगा गाइस, मैं खुद स्काउट के साइड होगा, इसमें मेरे को नहीं लगता गाइस इसमें कोई भी गलती है स्काउट की है ना। तो गाइस इसके बाद क्या होता है कि उसने अपनी वीडियो बनाई, तो गाइस स्काउट जो रहता है उसने अपने चैनल पे है ना एक और वीडियो लाया, इसकी वीडियो को देखते हुए उसने जो अपना रिएक्शन था वो दिया है ना, अपनी बात रखी गाइस ऐसा और उसमें भाई उसने बहुत गंदा तो भाई फोड़ा है बिल्कुल है ना, लड़की को बिल्कुल पूरा एम्बेरस कर दिया गाइस, बिल्कुल खतरनाक तरीके से लिया है ना। तो फिर इसके बाद देखिएगा इसका हो जाता है ना, तो फिर इसके बाद है ना, तो ये ऐसे सब चलता रहता, लेकिन उसमें गाइस ये इसने गलती के जो जो लड़की ने जो वीडियो बनाई थी है ना उसमें इसने क्या करा कि देख मॉर्टल को है ना एग्जांपल लेके है ना उसने मतलब ऐसे बोल दिया कि गाइस मॉर्टल चूतिया मॉर्टल रंडी ऐसा बोल दिया गया ना। तो गाइस इससे क्या हुआ कि हमारा जो स्काउट था गाइस और किसी को भी गाइस गुस्सा, क्योंकि हमारे ये जेन्युइन प्लेयर है गाइस इंडिया के है ना, भले किसी और को भाई ऐसे बोले जो मतलब सही में रियल प्लेयर नहीं उनको बोले यार, जो हमारे रियल प्लेयर है गाइस इंडिया की, जो हमारे बच्चे भाई जो हमें लीडर बोर्ड में ले गए हैं गाइस हमारे इंडिया को है ना पबजी मोबाइल के, और भी भाई इंटरनेशनल पे जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को ना, तो इसे उनको बोलने की क्या ज़रूरत थी गाइस यार है ना, ऐसा हुआ। और हाँ गाइस मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, गाइस इसने बोला था कि स्काउट है ना वो 2-3 ID खेल के PMSCO में जाता है, तो गाइस चार्ज ऐसा, तो गाइस ऐसा उसने जो हमारा स्काउट उसने जो वीडियो बनाई थी उसमें इसने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि गाइस ऐसा हो सकता है हम दूसरे गाइड से खेल के जा सकते हैं, इसमें कोई भी बैन नहीं है, मतलब ऐसा बैन नहीं था, मतलब किसी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं लेकिन उनको बैन नहीं लगा, लेकिन हमारे जो स्काउट भैया उनने तो मतलब सामने वाले से अपना खुद रो कर लिया एक्सेप्ट के लिए कि हाँ मैंने ऐसे उनको मतलब बैन लग गया है ना, इसलिए
ये तो उनने गलती करी है हमारे जो स्काउट भैया उनने, है ना। तो गाइस फिर और ये लड़की है ना, जब उसने अपनी वीडियो बनाई थी तो उसने इसमें ये मतलब ऐसे मॉडल को ये सब बोल के, है ना, उसने ये बोला कि मैं सब बोल भाई। उसके जो दूसरा जो फ्रेंड था टेक्स्टर, उसने क्या बोला, राइट टू डेमोक्रेसी है ना, राइट टू डेमोक्रेसी है, राइट टू स्पीच है कि हम ऐसा बोल सकते हैं। और ये लड़की बोलती कि मैं कुछ भी बोलूँ तो इससे इसको क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये गाइस ये कैसी बातें कही, देखो गाइस तुम कुछ भी बोलो और कोई कुछ नहीं कहेगा गाइस। जैसे तुम ऐसे इसने मॉर्टल को भी कुछ भी बोल दिया लेकिन ये सोच रही कि इस पर उसको कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा गाइस, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है गाइस यार। तुम इतने बंदे मेहनत कर रहे हैं गाइस, तुम ऐसे किसी को भी मॉर्टल के जाके ऐसे बोलो ये वो बोलो गाइस नहीं है भाई। सपोर्ट करना है भाई, अच्छी गेमिंग कम्युनिटी चाहिए तो भाई सपोर्ट की ज़रूरत है। और भाई अब ये ऐसा बोल रहे कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये कुछ भी ऐसे सोच रहे ना कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको भाई ये भी सोचनी है कि अगर ये कुछ भी बोलेगी तो उसको कुछ, अगर वो जो जिसको इसने बोला है कोई, सॉरी गाइस मतलब इसने जिसको भी जो भी जिसको भी बोला है ना, जिसने जिसको भी बोला है गाइस, अगर वो इसे बोले तो भाई इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब तुम बोल रहे हो ना तो सुनने की भी रहनी चाहिए, लेकिन गाइस सुनने में इनकी फट गई है ना, सुनने में इनकी पूरी तरीके से फट गई। जब इनको बोला गया ना स्काउट ने जब बोला ना, तो ये बोल रही हैं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन चलना चाहिए, लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा कैसे गए इसे ना, ये जो बोल रही है वैसे चलेगा, लेकिन इसने जो स्काउट को बोला ना वो मतलब स्काउट कुछ ना रिप्लाई दे इस पर, है ना। गाइस ऐसे हर किसी को रिप्लाई नहीं देना चाहिए, लेकिन गाइस स्ट्रीमर से स्ट्रीमर को बोलेगा तो गाइस उस पर तो उसको गुस्सा आएगा ही गाइस कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और ऊपर से गाइस इसने जो रेवन है ना, रेवन उसको भी इसने बोला है ना कि उसके ऊपर जो मतलब चैट में कुछ कर रही थी, चैट किसी से कर रही थी, उसका नाम इसने ऐसे शायद तक रखा था रेवन रंडी, है ना। लेकिन गाइस जो रेवन आप और हम सभी जानते हैं गाइस कौन है ना। और गाइस मतलब प्लेयर एज अ प्लेयर वो तो बहुत अच्छी है गाइस, लेकिन एज अ पर्सन वो और अच्छी है गाइस, है ना। वो गेमर से भी अच्छी है और वो एक अच्छी पर्सन भी है ना। और गाइस इसकी जो लैंग्वेज थी उस समय, है ना, जो लड़की पबजी जेनी है ना, इसकी जो लैंग्वेज थी ना उसके हिसाब से तो उसको साफ साफ मेरे को पता चलता है कि गाइस ये तो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। और इसके टोन से ही मेरे को समझ में आ गया था कि कैसी लड़की है, है ना। फिर गाइस ऐसा ये हुआ, फिर ये पूरी वीडियो सब खलास हुई। फिर हम अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, अब आती है हमारी दूसरी चीज़ कि गाइस कैप्टन एमडी, जिसको आप सभी जानते होंगे, है ना, कैप्टन एमडी, उसने इसके ऊपर वीडियो बनाई है ना कि पबजी जेनी के ऊपर इसने वीडियो बनाई इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर, वो तो कॉन्ट्रोवर्सी कवर करते हैं, है ना। इनने उसके ऊपर वीडियो बनाई तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा कैप्टन एमडी है, इसने पूरी वीडियो में इसने पबजी जेनी की साइड ली, जो पूरी कहीं ना कहीं कहीं से भी सही नहीं थी उसकी साइड ली। कुछ भी बोलता जा रहा है ना, कुछ भी बोले जा रहा है कि गाइस ना उसको जो हमारा स्काउट है उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रो प्लेयर है मतलब वो ऐसा भाई बड़ा प्लेयर है, उसको ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए वो गाइस। लेकिन नहीं है, फ़र्क पड़ता है बे, अभी तो मैंने आपको बताया गाइस कि कोई भी स्ट्रीमर किसी को बोलेगा तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना यार, है ना। कैप्टन एमडी ने फिर ये ऐसा बोला, ये सब पूरी वीडियो में ऐसे बोलते गए कि ऐसा उसकी गलती नहीं है ये वो, लेकिन उसने जो हमारी रोती पबजी जेनी उसकी एक भी गलती नहीं बताई, है ना, एक भी गलती नहीं बताई। जितनी भी गलती उसने सब स्काउट को बोला, स्काउट 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 को ही सब बोलता गया, है ना, स्काउट को बोला। फिर उसके बाद आती है स्काउट की मम्मी की बात, है ना। देखो क्या है कि स्काउट अपने लाइव स्ट्रीम कर रहा था, है ना। अब लाइव स्ट्रीम पे क्या हुआ कि उसकी मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुलाने लगी, है ना, सिंपल सी बात है कहीं से ना। कोई भी मम्मी ऐसे देखेगी भाई किसी को ऐसे इतने देर से भूखा है तो कहीं से बुलाएगी ना, है ना। तो उसने उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, तो देख स्काउट भाई अब किसी को कोई डिस्टर्ब करेगा, भले ही वो मेरी मतलब किसी की मम्मी हो भाई, है ना, कोई किसी को ऐसे तुम स्ट्रीम कर रहे हो भाई, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहे हो इतने सारे लोगों के सामने, और अचानक से तुम्हें कोई डिस्टर्ब करेगा गाइस तो गाइस तुम्हें भी थोड़ा एग्रेसिव सा फील। वैसे गाइस हमारे जो स्काउट है गाइस वो तो गाइस बहुत ही गंदा वाला एग्रेसिव गाइस, वो तो बहुत मतलब गुस्सा में खेलता है गाइस और बोल भी देता है कुछ भी, है ना। लेकिन गाइस उसने मम्मी से तब भी भाई कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला कि गाइस बिल्कुल खतरनाक कुछ भी बोल दिया हो गंदा, है ना, कुछ नहीं, अच्छा सब मतलब बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम लोग बोलते हैं बात करते हैं। मम्मी से वैसे ही बोला कि मम्मी अभी मैं नहीं खा सकता, आप चले जाओ, है ना, ऐसे बस थोड़ा सा तेज़ बोला होगा लेकिन ऐसे ही बोला था, है ना। तो भैया जी कैप्टन एमडी बोलते हैं कि ये कोई तमीज़ होती है मम्मी से बात करने की, तो गाइस
इसमें आप भी, आपको भी अगर कोई डिस्टर्ब करेगा, भाई मैं खुद से बोल रहा हूँ, भाई मेरे को भी ऐसे कोई डिस्टर्ब करेगा, भले ही भाई मेरे मम्मी हो, मम्मी उसे बुलाएंगे खाना पर स्ट्रीम के सामने भाई, है ना, तो भी किसी को भी गुस्सा जाएगा। मैं भी मम्मी से बोल देता हूँ कभी कभी गुस्से में, लेकिन बाद में क्या होता है कि भाई हम भी जाते मनाने, है ना, यही होता है ना, और बाद में सब ठीक भी हो जाता है। और क्योंकि ऐसे लड़ाई लड़ाई तो होती ही रहती है गाइस, इसमें कोई टेंशन कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसको लाने की क्या जरूरत है, इस बीच में लाने की क्या जरूरत है, मतलब टॉपिक कुछ और ही चल रहा है, लेकिन कैप्टन एमडी ने कुछ और ही घुसा दिया, है ना। फिर आते हैं भाई हमारे कॉन्ट्रो भैया, कॉन्ट्रोवर्सी गेमर, है ना, उनने बनाई वीडियो हमारे कैप्टन एमडी के ऊपर, है ना, कि कैप्टन एमडी ने कॉन्ट्रोवर्सी गेमर से कुछ सवाल पूछे थे, तो उसके जवाब देने के लिए भी उसने वीडियो बनाई, है ना, है ना। उसमें उसने सब क्लियर करा, लेकिन है ना उसने बताया कि स्काउट की ये गलती नहीं थी, ये वो गलती नहीं थी, सब बहुत सारे लोगों ने, रूड स्नाइपर, कॉन्ट्रोवर्सी गेमर, चीटोमैन, बहुत सारे लोग सबके सब अपोजिट थे कैप्टन एमडी के। गाइस मैं भी अभी अपोजिट ही हूँ कैप्टन एमडी के, मैं को नहीं जानता गाइस, मैं मेरे को जो सही लग रहा है, सब अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं, है ना। फिर अपने कॉन्ट्रोवर्सी गेमर ने यही सब चीज़ें बताई, है ना, जो मैंने आपको अभी बताई पूरे, है ना, ये सब चीज़ें बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, है ना, और कैप्टन एमडी के बारे में बताया कि क्या कैप्टन एमडी ये गलत कर रहा था, ये वो, है ना। इसके बाद होता है असली गेम शुरू, है ना। फिर उसके बाद कैप्टन एमडी ने बनाई वीडियो कि सब जो मतलब ऐसी वीडियो बनाई सिंपैथी गेन करने के लिए वीडियो बनाई उसने, है ना, कैप्टन एमडी ने, कि गाइस ऐसी बात है देखो कि मेरे मैं जिसको भाई समझता था, मैंने ये मैं अपना जो भाई भाई समझता था, मैंने जिनको भाई समझा वो ये मेरे अपोजिट में है, मेरे को भाई कोई सपोर्ट नहीं करता, ये वो, है ना, फलाना, बिल्कुल ऐसा कुछ भी बोले जा रहे थे भाई, है ना। उसने बोला कि गाइस जो अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना। तो गाइस अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो गाइस मैं लिंक तो डाल दूंगा, है ना, कैप्टन एमडी का वीडियो देखना, है ना। तो उसके बाद आते हैं भाई हमारे कॉन्ट्रोवर्सी गेमर, है ना, उन्होंने अब रिप्लाई में बताऊँ, उनको पता था कि उसके बारे में बात ही हो रही थी, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी गेमर के बारे में ही बात कर रहा था। गाइस कॉन्ट्रोवर्सी गेमर और कैप्टन एमडी बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना, कॉन्ट्रोवर्सी उन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, है ना। तो गाइस ये बात हुई। फिर उसके बाद कॉन्ट्रोवर्सी गेमर ने पूरा जितने भी सवाल थे उस कैप्टन एमडी के, है ना, सब क्लियर करे, और है ना उसने कैप्टन एमडी ने तो गाइस उसको बहुत मतलब ऐसे गाली वाली भी दी थी कि गाइस तुम्हारी दम हो, है ना, तो गाइस मैं अब किसी के दम पे नहीं खड़ा हुआ हूँ, तुम हमारे दम पे खड़े हुए हो, है ना। और डायनामो गेमिंग की सबसे पहले हमने हमला सबको हमने जो एम्युलेटर प्लेयर हमने उनको एक्सपोज करना शुरू किया, जब ताकि कैप्टन एमडी जब ताकि तुम लोग आए, है ना, ऐसे बोला। तो कैप्टन वो कॉन्ट्रोवर्सी गेमर बोलता है कि गाइस जाके मतलब देख लो जाके कि किसने पहले वीडियो बनाई थी और किसने पहले शुरू किया था ये सब, मतलब कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट और एक्सपोज करना प्लेयर को, है ना, ये सब बात हुई, है ना। उसके बाद है ना, तो मेरे को भी पता है गाइस कि कॉन्ट्रोवर्सी गेमर ने शुरू किया है ये सब, है ना। लेकिन गाइस ऐसा हो गया कि गाइस जी सब भाई अब क्या होगा कि इसको उस पर जो वीडियो है ना जो उसने एक्सपोज करा था डायनामो गेमिंग एमुलेटर प्लेयर्स को, है ना, उस पर इसको ज़्यादा व्यूज आ गया कैप्टन एमडी को। तो इस पर इसने बोला कि जितने भी लोगों ने वीडियो बनाई उन सबके व्यूज़ को प्लस कर दो, तब जाके भी ये लोग मेरे व्यूज़ को जो मेरी वीडियो पे व्यूज़ आए उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसी बात हुई। तो गाइस इस पे वो उसने बोला कि गाइस मैंने और हमारे कॉन्ट्रोवर्सी के मैंने उनने बोला कि गाइस मैंने कब बोला कि गाइस मैं इसके अपोजिट में हूँ और मैं कब इससे चलता हूँ, गाइस मैंने इससे तो हमेशा इसको सपोर्ट किया, और भाई जो वो बता रहा था कि जब पहले ये मेरे पास आया था जब उसके पास 3000 सब्सक्राइबर थे, ये मेरे से सपोर्ट मांगता था, मेरे सेकेंडरी चैनल पर शाउट आउट मांगता था और मैं देता भी था और हम दोनों दोस्त थे बहुत अच्छे। लेकिन गाइस फिर क्या हुआ कि इसने बोला कि अब देखो इतना कुछ होने के बाद, है ना, तो तुम लोग भी सोच सकते हो गाइस मतलब कॉन्ट्रोवर्सी गेमर जिसने सपोर्ट किया होगा गाइस के एमडी को, गाइस वो भी क्या सोच रहा होगा गाइस कैसा क्या हो गया यार ये। तो गाइस फिर एंड में कॉन्ट्रोवर्सी गेमर ने ये कहा कि गाइस देखो मैं अभी मतलब उसको सपोर्ट करता हूँ कैप्टन एमडी को, है ना, इस पर कोई टेंशन नहीं है, है ना। और लेकिन गाइस वो कहता है कि कैप्टन एमडी भाई तो देखो जो भी करना है बस ये भाई ड्रामा मत कर यार भाई, इतनी हेट मत दे भाई, है ना, इतनी हेट भाई क्यों वो भी कर रहा था भाई, इतनी हेट क्यों मेरे को दे रहा है भाई, है ना, क्या कर रहा है भाई ऐसा, मैंने अपने व्यूज़ दिए भाई जो तूने बोला सॉरी गाइस, है ना, मैंने जो बोला है ना उसके मैंने कुछ अपने जो तूने तेरे को लगा वो तेरे को सही लगा तूने बोला, है ना, जो मैं मेरे को सही लगा मैंने बोला, है ना, जो तू तेरे व्यूज़ थे वो तूने दिए, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ उसमें से क्या टेंशन है गाइस, है ना।
इसमें क्या टेंशन है, हम तेरे अपोजिट में वीडियो नहीं बना रहे, हम बस बोल रहे हैं कि हमारे व्यूज नहीं है और तूने ये सही नहीं किया, बस इतना बोला है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो ड्रामा तो जो कर रहा है ना सिंपैथी गेन करने के लिए है ना, उसे बंद कर दे है ना, बस इतना बोला कॉन्ट्रोवर्सी गेम बनने है और फिर उसने अपनी वीडियो को एंड कर दिया है ना, यही बस बात हुई थी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में है ना। और अभी देखते हैं गाइस आगे क्या होता है ना, और भी कुछ रिप्लाई और कुछ होता है कि नहीं तो उसे देखते हैं हम है ना। और भाई अभी तो ये पबजी जाने को तो मैं एक्सपोज करता हूँ भाई, अगर अगले वीडियो में करना है एक्सपोज तो गाइस कमेंट में लिखो गाइस है ना, कमेंट में लिखो कि इसको एक्सपोज पूरा करना है कि नहीं, क्योंकि गाइस बहुत हो गया गाइस ऐसा सुनने चलता रहेगा। अभी इसने और भी वीडियोज डाली उसके हिसाब से मैं बताता हूँ भाई है ना, देखते हैं अगले वीडियो में इसको ही एक्सपोज करते हैं पबजी जाने को। तो चलिए गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि गाइस कौन सही था, गाइस स्काउट या पबजी जानी या फिर MD कैप्टन MD या फिर कॉन्ट्रोवर्सी गेम, मैंने चारों में सबको बताना है गाइस है ना, किस बता देना ये भी है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पे लाइक मारना, चैनल पे नए तो पे सब्सक्राइब मारना, बाजू वाला बेल आइकन हिट कर देना, और नीचे अगर कहीं कमेंट हो सके तो ज़रूर करना गाइस। तो चलिए गाइस आज की वीडियो इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट।